हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की वैगन आर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें आपको 8 कलर ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस गाड़ी में। और इसकी अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन ऑप्शन भी आपको इसमें 2 मिल जाते हैं। इसमें जो है आप अगर पेट्रोल लेना चाहते हैं तो पेट्रोल मिल जाती है, और अगर आप सीएनजी परचेस करना चाहते हैं तो ये गाड़ी जो है सीएनजी में भी आती है, जिसकी कि माइलेज काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। और इसमें जो इंजन जो दिए जाते हैं वो जो है 1 लीटर का एक इंजन दिया जाता है और एक जो है 1.2 लीटर का इसमें इंजन आपको मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वेरिएंट की। तो इसकी वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वेरिएंट दिए जाते हैं वो LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस करके इसमें वेरिएंट आते हैं। और CNG का जो वेरिएंट आता है वो जो है 2 वेरिएंट में आते हैं, LXi और VXi में ही आपको CNG का देखने को मिलेगा। लेकिन और जो है ZXi और ZXi प्लस जो आती है वो जो है आपको पेट्रोल में आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे गाड़ी की फ्रंट लुक से और देखेंगे कि क्या कुछ आपको इंटीरियर एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ मिला है। तो चलिए अब हम गाड़ी की ओर चलते हैं। तो फ्रंट लुक जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस गाड़ी की मैं अभी रिव्यू कर रहा हूं ये है VXi पेट्रोल में, और इसकी मैं आपको की दिखा देता हूं कि की जो किस तरीके का आपको मिलता है। की आपको इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, लॉक करने का और अनलॉक करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और गाड़ी का फ्रंट लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। और सबसे पहले हम इसकी लाइट की बात कर लेते हैं। तो इसमें लाइट जो है नॉर्मल हेलोजन लाइट आपको देखने को मिलता है, और नीचे में टर्न इंडिकेटर के लाइट आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे साइड अगर हम चलते हैं तो फॉग लैंप इसमें आपको नहीं दिए जाते हैं इस वेरिएंट में, आपको जो है एसेसरीज में आपको इसमें लगाना होगा। और बीच की अगर हम बात कर ले तो बीच में जो है आपको मारुति सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाता है विथ क्रोम फिनिश के साथ, और नीचे में जो है पूरा आपको ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। अगर बोनट की बात कर ले तो बोनट पे 2 साइड में आपको साफ कट देखने को मिलेगा और थोड़ी सी ढलाव देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है आपको वाइपर ऊपर में देखने को मिलेगा, और शार्क फिट एंटीना जो आपको दिए जाते हैं इस गाड़ी में आपको फ्रंट में ही आपको देखने को मिलता है शार्क फिट एंटीना। और इस गाड़ी में ये गाड़ी क्या है कि मतलब अच्छी खासी ये सस्ती गाड़ी है और काफ़ी मतलब बड़ी लगती है देखने में। अगर आप की बजट कम है और आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी बड़ी गाड़ी दिखने में लगे तो ये गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं। इसकी ग्लोबल एंड कैब में सेफ्टी रेटिंग की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको जो है 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाती है। और अब हम चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टायर साइज़ की। तो इसमें टायर साइज़ जो आपको ऑफर किए गए हैं वो 14 इंच के आपको टायर साइज़ ऑफर किए गए हैं। और इस वेरिएंट में जो है आपको नॉर्मल आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाता है इसका टायर। और साइड में जो है यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर के लाइट आपको देखने को मिलता है। और ORBM की अगर हम बात कर ले तो ORBM पे जो है बॉडी कलर का आपको ये फिनिश देखने को मिलेगा, और नीचे में जो है आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। और पूरा साइड प्रोफाइल का लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। और डोर पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ओपन करने के लिए थोड़ा अलग इसमें आपको मिल जाता है, बाकी सारे में जो है हैंडल टाइप का आपको मिलता है लेकिन इसमें थोड़ी अलग आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले तो लुक कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। और इसकी अगर हम टेल लाइट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको काफ़ी बिग साइज़ का आपको टेल लैंप देखने को मिल जाता है। और ऊपर में हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको हाई माउंट स्टेप लैंप आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में। जो इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर वगैरह आपको नहीं दिए गए हैं, और यहाँ पे जो है आपको सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और बड़ी सी क्रोम फिनिश के साथ ही आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैगनार लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें जो है 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको नीचे में देखने को मिलता है, और इधर साइड जो है आपको ये रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी की अगर हम बूट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपको बूट स्पेस आपको जो मिलते हैं वो 341 लीटर का आपको बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो बूट का जो है लुक कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। यहाँ पे जो है ट्रे वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, और बूट जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको बड़ी आपको मिलने वाली है। इसके नीचे चलते हैं बूट के नीचे, तो यहाँ पे जो है आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, और जो कि आपको स्टील व्हील में ही आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसमें आपको जो है 14 इंच का ही आपको साइज़ आपको देखने को मिलता है, जो आपका लगा हुआ है वही साइज़ का आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम सीट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है बूट स्पेस बढ़ाने के लिए आपको जो है 60-40 वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आप कम लोग ट्रेवल कर रहे हो तो इसका सीट जो है आगे का ये सीट जो है आप इस तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, तो आपका बूट स्पेस जो है अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर की ओर। तब तक मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर में।
तो इंटरव्यू में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको डोर में आपको क्या कुछ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है डोर में सबसे पहले तो पूरी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है और थोड़ी सी अलग कलर की फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसके हैंडल पे। और यहाँ पे जो है पूरा पावर विंडो के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। चारों शीशा जो है आपको जो मिलने वाला है विंडो वो पूरा जो है आपको कंट्रोल के साथ आपको मिलने वाला है। और यहाँ से जो है आपको ORVM के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। और इधर साइड जो है नीचे में वाटर होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा भी थोड़ी सी स्पेस और यहाँ पे जो है स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी इंटीरियर जो है इंटीरियर का लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको मिलता है ड्यूल टोन के साथ। इसका इंटीरियर का जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसकी सीट वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें भी आपको ड्यूल टोन कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीट की, ड्राइवर साइड की सीट जो आपको मिलती है। यहाँ पे जो है आपको एडजस्टेबल आपको सीट आपको देखने को मिलता है। और इसकी क्वालिटी की हम बात करें तो ये जो है आपको फैब्रिक सीट आपको इसमें आपको ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे जो है लेकिन इसमें जो आपको जो बैक सपोर्ट वगैरह आपको मिल रहा है काफ़ी चौड़ा आपको मिल रहा है, तो काफ़ी इजी जो है बैक सपोर्ट वगैरह आपको काफ़ी मस्त आपको लगने वाला है। और अगर इसकी एसी वेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, एसी वेंट्स के पास भी जो है जो कलर का इस्तेमाल किया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं एसी वेंट्स को। और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको हेडलाइट के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे में जो है आपको यहाँ से जो है आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लोगो आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ी सी आपको सिल्वर फिनिश आपको दी गई है, जिससे कि स्टीयरिंग का लुक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसकी एडजस्टमेंट की अगर हम बात कर ले तो इस गाड़ी में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टिल्ट स्टीयरिंग आपको ऑफर किए गए हैं, टेलीस्कोपिक आपको नहीं दिए गए। और यहाँ पर जो है आपको चाबी लगाने के लिए जगह आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको पूरी हेडलाइट की कंट्रोल यहां से आपको मिल जाती है और इधर साइड जो है आपको वाइपर के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए अंदर बैठते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं वो रिसेव ऑटोमोबाइल बिहार शरीफ में शूट कर रहा हूं, लेकिन इसके रिसेव ऑटोमोबाइल के जो है कई सारे ब्रांच है, जैसे कि पटना हो गए, हाजीपुर हो गए, तो कहीं से भी आप गाड़ी अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्प्ले पर शो कर दूँगा, आप कहीं से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और अगर हम इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिए गए हैं और इसके साइड में पूरा इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मैनुअल एसी आपको दिए जाते हैं इस वेरियंट में। और यहाँ पर जो है मोबाइल रखने के लिए स्पेस और 12 वोल्ट का चार्जर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जो है कप होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलता है और इधर साइड जो है आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। और इसकी एसी वेंट्स की अगर हम बात कर ले तो एसी वेंट्स की लुक जो है काफ़ी अच्छी इसमें मिलने वाली है, थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिल जाती है एसी वेंट्स, इधर साइड भी देख सकते हैं। और वो तो गोल्ड टाइप का है तो उसमें आपको नॉर्मली आपको देखने को मिलता है सारी गाड़ी में। और इसमें इसकी अगर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा आपको ग्लोव बॉक्स आपको मिलने वाला है। और इस गाड़ी में एयरबैग जो आपको दिए जाते हैं वो आपको दो एयरबैग के साथ रहते हैं। और ऊपर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है IRBM आपको देखने को मिलता है और ये लाइट जो है आपको देखने को मिल जाता है। और इधर साइड जो है इसमें आपको मिरर भी देखने को मिल जाता है और ड्राइवर साइड में जो है कोई मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। और इस गाड़ी की अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो लुक आपको मिलता है नॉर्मल आपको कांटे के जैसा मिलता है, लेकिन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे में आपको मिल जाती है, छोटी सी डिस्प्ले आपको दी गई है जिसमें कि आप फ्यूल का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। और इधर से जो है कुछ कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिसेट वगैरह कर सकते हैं। और आपको डिस्प्ले पे कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि आपका डोर खुला हुआ है वो भी आपको बता रहा है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि काफ़ी यूज़फुल आप इसे कह सकते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की ओर। तो यहाँ पे जो है रियर सीट का लुक जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। इधर पीछे में भी आपको जो है ड्यूल टोन आपको देखने को मिल जाता है सीट में भी। और इसके अगर हम डोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डोर जो है जैसा कि आपको मिला था आगे वाले डोर उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे में भी आपको वाटर बॉटल होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो है लेगरूम जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा आपको लेगरूम इस गाड़ी में मिल जाता है। और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी लगती है देखने में। और देखने में नहीं, अंदर भी इसका स्पेस जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। और इधर से इस वेरिएंट में जो है आपको फिक्स हेडरेस्ट आपको देखने को मिलता है और ऊपर में जो है हैंडल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और इस गाड़ी में सबसे अच्छा आपको क्या लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कौन सी फीचर आपको अच्छी लगी। और इस गाड़ी में जो दो एयरबैग आते हैं वो इसमें बढ़ने चाहिए या फिर उतना ही ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
तो गाइज ये तो थी गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर का व्यू। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो आपको पड़ती है वो एक्सोरिंग प्राइस वो 5,90,000 यानी कि 6 लाख के आसपास आपको प्राइस पड़ता है। और इस गाड़ी की अगर हम माइलेज की बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गाड़ी है तो उसके लिए माइलेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो इसकी माइलेज जो आपको मिलती है वो आपको 24 के आसपास पेट्रोल में आपको मिल जाती है। और इसकी सीएनजी की अगर आप लेते हैं तो सीएनजी की माइलेज जो आपको मिलती है वो 34 के आसपास आपको मिल जाती है, यानी 34 के आसपास आपको इस गाड़ी की माइलेज आपको मिल जाती है। तो कंपनी क्लेम इतनी कर रही है, आप लोग को कितना मिल रहा है वैगनार में माइलेज प्लीज़ आप लोग बताइए, ताकि जो है और भी लोगों को कमेंट पढ़ के जो है ये अंदाज मिल जाए कि ये गाड़ी कंपनी जो क्लेम कर रही है उतनी मिल रही है भी या फिर नहीं मिल रही है। तो लोगों को अगर हेल्प मिल जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितनी माइलेज मिल रही है। और जो लोग नए लेने वाले हैं गाड़ी वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वैल्यू फॉर मनी आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और ये गाड़ी अगर आप परचेस करने वाले हैं तो प्लीज़ आप बताइए कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल गई है और आप गाड़ी जो है परचेस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप बताइए कि लेने वाले हैं या फिर नहीं लेने वाले हैं। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियो डालूं नेक्सा वगैरह और भी बहुत सारी कंपनियों की मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और गाड़ी की नॉलेज आपको मैं दे सकूं। और भी मैं ऑनर रिव्यू वगैरह भी करता हूं, तो प्लीज़ आप अगर ऑनर रिव्यू वगैरह भी आप देखना चाहते हैं गाड़ी की तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।